Hey guys, welcome to News Decode. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड यानी कि इंडियन एयरफोर्स के बारे में और जानेंगे कि कौन कौन से वो फाइटर जेट्स हैं जो बनाते हैं इंडियन एयरफोर्स को फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। तो पहला एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स के इन्वेंट्री में है वो है MiG-21 जो कि एक सोवियत एरा का फाइटर जेट है और ये इंडियन एयरफोर्स का फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर जेट है। अगर MiG-21 के बारे में बात करें तो ये एक सेकेंड जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, लेकिन जो MiG-21 इंडियन एयरफोर्स के पास है आज के समय वो है MiG-21 Bison जो कि एक हाईली अपग्रेडेड MiG-21 है और इसमें बहुत सारे एडिशनल कैपेबिलिटीज ओवर द टाइम ऐड किए गए हैं ताकि ये एयरक्राफ्ट आज के समय में भी थोड़ा बहुत रिलेवेंट रह सके, जैसे कि न्यू कॉपियो रडार जो कि एक बार में 10 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 2 को इंगेज कर सकता है। इसके अलावा अपग्रेडेड एवियोनिक्स, साथ ही न्यू वेपन इंटीग्रेशन जैसे कि R-77 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स भी ऐड किए गए हैं। अगर MiG-21 के नंबर्स के बारे में बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के साथ आज के टाइम पे इनका 3 स्क्वाड्रंस सर्विस में है जो कि लगभग 60 के नंबर में है और ये इंडियन एयरफोर्स के टोटल स्क्वाड्रन का 10% है। दूसरा एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स के इन्वेंट्री में है वो है MiG-29 Fulcrum जो कि एक सोवियत एयर का लेजेंडरी ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट का फर्स्ट इंटरनेशनल कस्टमर है। अगर बात करें MiG-29 का तो ये एक फोर्थ जनरेशन का फाइटर जेट है जो कि एयर सुपीरियरिटी के लिए बनाया गया था और अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स के संदर्भ में तो इंडियन एयरफोर्स के पास है MiG-29 UPG जो कि MiG-29 का मोस्ट एडवांस वेरिएंट है अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर जनरल ऑफ MiG सर्जी कोवोतकोव और इनको कारगिल वॉर के दौरान काफी एक्सटेंसिवली यूज किया गया था Mirage 2000 को एस्कॉर्ट करने के लिए ताकि वो आराम से अपना बॉम्बिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। और अगर MiG-29 UPG के नंबर्स का बात करें तो आज के समय इनका 3 स्क्वाड्रंस इंडियन एयरफोर्स के साथ सर्विस में है जो कि लगभग 60 एयरक्राफ्ट के आसपास है और ये इंडियन एयरफोर्स के टोटल स्क्वाड्रन का 10% है। तीसरा एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स के इन्वेंट्री में है वो है Mirage 2000 जो कि एक फ्रेंच ओरिजिन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। अगर बात करें Mirage 2000 का तो ये इंडियन एयरफोर्स का गो टू एयरक्राफ्ट है जब भी कहीं एयर स्ट्राइक करना हो और साल 2019 में इन्हीं एयरक्राफ्ट के द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया था। इसके अलावा कारगिल वॉर में ऑपरेशन विजय के दौरान भी इनका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया था बॉम्बिंग के लिए और इन्हीं एयरक्राफ्ट की मदद से इंडियन एयरफोर्स ने फर्स्ट टाइम लेजर गाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल किया था कारगिल वॉर के समय। अगर मिराज 2000 के नंबर्स का बात करें तो आज के टाइम पे इनका 3 स्क्वाड्रंस इंडियन एयरफोर्स के साथ सर्विस में है जो कि लगभग 51 के नंबर्स में है और ये इंडियन एयरफोर्स के टोटल स्क्वाड्रन का 10% है। चौथा एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स के इन्वेंट्री में है वो है स्पेक्केट जैगवार जो कि फ्रांस और ब्रिटेन का जॉइंट एयरक्राफ्ट है। अगर जैगवार एयरक्राफ्ट्स के बारे में बात करें तो एक ट्विन इंजन का फाइटर जेट है जिसको क्लोज एयर सपोर्ट और न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए बनाया गया था और चाइना के साथ लद्दाख में स्टैंड ऑफ के समय भी इनको माउंटेन्स के बीच में लो फ्लाई करते हुए शॉर्टेज लगाया जा रहा था चाइना को मैसेज देने के लिए। अगर स्पेक्केट जैगवार के नंबर्स का बात करें तो आज के टाइम पे इनका 6 स्क्वाड्रंस इंडियन एयरफोर्स के साथ सर्विस में है जो कि लगभग 120 के नंबर में है और ये इंडियन एयरफोर्स के टोटल स्क्वाड्रंस का 18% है। फिफ्थ एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स के इन्वेंट्री में है वो है स्वदेशी LCA Tejas। अगर LCA Tejas का बात करें तो एक सिंगल इंजन मल्टी रोल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है जो कि मेनली बनाया गया है MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए, बट ओवर द टाइम ये एक हाईली कैपेबल फाइटर जेट में इवॉल्व हो चुका है विथ मॉडर्न एवियोनिक्स, फ्लाई बाय वायर, ASA रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन्स एंड हाईली रिलायबल G-404 इंजन। और अब तक LCA Tejas थाउजेंड्स ऑफ आवर का फ्लाइट कर चुका है विद जीरो क्रैश और आज के टाइम पे आप कह सकते हैं कि LCA Tejas इज वन ऑफ द सेफेस्ट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड। अगर LCA Tejas के नंबर्स का बात करें तो इनका 2 स्क्वाड्रंस जो कि है फ्लाइंग डैगर्स और फ्लाइंग बुलेट्स
इंडियन एयरफोर्स के साथ सर्विस में है और अब तक 40 एयरक्राफ्ट्स इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर हो चुके हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स के टोटल स्क्वाड्रन का 6% है। इसके अलावा 83 तेजस मार्क 1A का भी ऑर्डर दे दिया गया है, जो कि साल 2028 तक डिलीवर हो जाएंगे। 6th एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स के इन्वेंट्री में है वो है डसॉ राफेल, जो कि एक फ्रेंच ओरिजिन का एयरक्राफ्ट है और इंडियन एयरफोर्स का लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है। अगर राफेल के बारे में बात करें तो ये ट्विन इंजन ओमनी रोल 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और राफेल कितना कैपेबल है इसके बारे में हमको बात करने की जरूरत नहीं है। वी ऑल नो इट्स हाईली कैपेबल एंड हाईली एक्सपेंसिव। अगर राफेल के नंबर्स का बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के साथ आज के समय इनका 2 स्क्वाड्रन सर्विस में है, जो कि 36 के नंबर में है और ये इंडियन एयरफोर्स के टोटल स्क्वाड्रन का 6% है। और नंबर 7 पे है Su-30MKI, जो कि इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन है आज के समय। अगर Su-30MKI के बारे में बात करें तो ये ट्विन इंजन मल्टी रोल एयर सुपीरियोरिटी फाइटर जेट है और ये काफी बड़ा फाइटर जेट है, जिसके कारण इसका रेंज और पेलोड कैरिंग कैपेसिटी भी काफी ज्यादा है। और वैसे तो ये एयरक्राफ्ट रशियन ओरिजिन के हैं, लेकिन इनको अंडर लाइसेंस इंडिया में ही बनाया जाता है HAL के द्वारा, और इसीलिए आज के टाइम पे HAL इनके इन हाउस अपग्रेड पे भी काम कर रहा है अंडर सुपर सुखोई प्रोग्राम, जो कि आप कह सकते हैं कि ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है। और हाल ही में आपने एक फोटो देखा होगा अस्त्र मार्क 2 का विद Su-30MKI, जो कि इन एयरक्राफ्ट के बियॉन्ड विजुलेंस कैपेबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है। और अगर Su-30MKI के नंबर्स का बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास आज के समय इनका 13 स्क्वाड्रन सर्विस में है, जो कि लगभग 260 के नंबर्स में है और ये इंडियन एयरफोर्स का टोटल स्क्वाड्रन का 40% है। तो ये था गाइस एक छोटा सा एनालिसिस अबाउट इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम जस्ट 4 एयरक्राफ्ट इन 1993 टू दी 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स इन 2022। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इट मोटिवेट्स मी अ लॉट।